नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी की महत्वपूर्ण बैठक 21 जनवरी को बुलाई है। इस बैठक में पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतारे गए सभी 144 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इनमें जीते हुए विधायक और हारे हुए कैंडिडेट शामिल रहेंगे। बैठक में तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 30 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर भी बातचीत होगी। 21 जनवरी को होने वाली पार्टी की इस अहम बैठक में 144 उम्मीदवारों के अलावा पार्टी के LMC और प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी कार्यक्रम को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवारों को निमंत्रण भेजा गया है। इससे पहले महागठबंधन की एक बैठक तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर आवास पर पहले ही कर चुके हैं और 23 जनवरी की बैठक भी 10 सर्कुलर आवास पर ही आयोजित की गई है। इस बैठक में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला के साथ ही साथ तेजस्वी यादव के धन्यवाद यात्रा की रूपरेखा भी तय की जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी धन्यवाद यात्रा पूरे बिहार के 243 सीटों पर निकालेंगे। इसके लिए 21 जनवरी को रणनीति बन जाएगी। हालांकि तारीख का ऐलान विधानसभा के बजट सत्र के तिथि घोषित होने के बाद की जाएगी।